दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि फ्रांस और जर्मनी का एक ज्वाइंट कॉन्सेप्ट है जिसके तहत दोनों देशों के तरफ से ज्वाइंटली एक नया एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा जिसका नाम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम या फिर FCAS रखा गया है। वैसे तो पेरिस एयर शो में इसका एक स्केल मॉडल दुनिया के सामने लाया गया था, पर सब लोगों का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट असल में एक 6th जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों क्या ये 6th जनरेशन का FCAS अब तक के सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 को काउंटर कर पाएगा? दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में। इस साल के पेरिस एयर शो में फ्रांस और जर्मन द्वारा जॉइंटली कॉन्सेप्टेड FCAS एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया गया था और तब से ही दुनिया का नजर इस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है। फ्रांस और जर्मनी के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट द्वारा 2040 और 2040 के बाद फ्रेंच और जर्मन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला 4th जनरेशन का डेसॉल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाएगा। और साथ ही साथ दोनों देशों का यह भी कहना था कि फिलहाल 4th जनरेशन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन 2040 में जब ये एयरक्राफ्ट रिप्लेस होगा तो दुनिया के सामने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी पुराना टेक्नोलॉजी हो जाएगा। उस समय के नया टेक्नोलॉजी के मुताबिक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट होगा राफेल और यूरोफाइटर टाइफूनों को रिप्लेस करने के लिए, जिस वजह से फ्रांस के एयरबस कंपनी और डेसॉल्ट एविएशन द्वारा जर्मन और स्पेन के कंपनियों के साथ मिलकर ये नया कॉन्सेप्ट को रखा गया है। कंपनियों के मुताबिक एयरक्राफ्ट खाली एक सिंगल यूनिट नहीं होगा बल्कि आसमान में एक उड़ता हुआ अभिद्य किला जैसे होगा। इन एयरक्राफ्टों द्वारा दूसरे एयरक्राफ्टों के साथ कम्युनिकेट और डाटा शेयरिंग के साथ साथ ड्रोन, क्रूज मिसाइल, सैटेलाइट, स्वाम ड्रोन, जमीन में और समुद्र में स्थित सैनिकों के साथ भी कम्युनिकेट करने के साथ साथ डेटा शेयरिंग और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेकर हमला करने का सहूलियत भी होगा। फ्रांस द्वारा इन FCAS एयरक्राफ्टों को सिंगल पायलट एयरक्राफ्ट बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे कम से कम ह्यूमन एफोर्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी किया जाना संभव हो पाए। एयरक्राफ्टों में फुल्ली डिजिटल ग्लास कॉकपिट लगने का बात भी कंपनी द्वारा उठाया गया है, जबकि कंपनी का यह भी कहना था कि एयरक्राफ्टों में इतना फैसिलिटीज रहेगा कि फ्यूचर के हथियार और टेक्नोलॉजी को भी आराम से एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जाना संभव हो पाए। एयरक्राफ्टों में पूरा पूरी नया सेंसर्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके लिए अभी से ही कंपनियों द्वारा प्रयास शुरू कर दिया गया है। फ्रांस का यह भी कहना है कि फिलहाल डेवलप किए जाने वाला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे कि J-20 और रशियन सुखोई 57 है, उनमें भी इस तरीके का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाने का बात नहीं किया जा रहा है, जबकि फ्रांस के तरफ से पूरा पूरी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का बात उठाया जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों के सहूलियतों के अंदर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ साथ हर एक तरीके का मिसाइल इस्तेमाल करने का क्षमता भी होगा, साथ ही साथ एयरक्राफ्टों द्वारा परमाणु हथियार दागने का भी क्षमता होगा, जबकि एयरक्राफ्टों में हथियार ले जाने के लिए इंटरनल बे के साथ साथ एक्सटर्नल वेपन कैरिंग हार्ड पॉइंट्स भी होगा। और इन एयरक्राफ्टों का सबसे खास बात है एयरक्राफ्टों का डिजाइन, जिसे डबल कैनोपी डिजाइन बनाया गया है, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के डिजाइन के बदौलत नॉइस सिग्नेचर काफी कम होगा, जिससे रडार क्रॉस सेक्शन एयरक्राफ्ट का काफी ज्यादा कम हो जाता है। और इस क्षमता के वजह से दुनिया के एडवांस तरीन रडारों द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों वही पे लोग अंदाजा ये लगा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को F-35 एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाना सही है कि नहीं, जबकि अब तक दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों में से F-35 एकमात्र एयरक्राफ्ट है जो ऑपरेशनल है। चाइना और रशिया द्वारा बनाया जाने वाला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अब तक फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को सिर्फ F-35 के साथ ही कंपेयर किया जाना संभव हो पा रहा है। अमेरिका द्वारा बनाया हुआ F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर असल में एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इनमें बहुत सारा 6th जनरेशन का टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि वर्टिकल टेक ऑफ और अत्याधुनिक हथियार ले जाने की क्षमता के साथ साथ रडार क्रॉस सेक्शन कम होने के अलावा हाई रेंज का रडार भी इनमें इस्तेमाल किया गया है। इन एयरक्राफ्टों में भी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का क्षमता है, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि फ्रांस और जर्मन द्वारा बनाया जाने वाला FCAS एयरक्राफ्ट असल में F-35 एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा बेहतरीन है और क्षमता में भी इन एयरक्राफ्टों को 1 जनरेशन पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि फ्रांस और जर्मनी के तरफ से बनाया जाने वाला ये फ्यूचर कॉम्बैट एयर
सिस्टम अमेरिकी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 को मात दे पाएगा कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही साथ आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।